अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम मशकी सेट 2.2 शुरू करते हैं। क्या बोला गया है हमें? बोला गया है पहला सवाल के 4 जज़र 2 साबित कीजिए कि 4 जज़र 2 एक गैर नाती गदद है। यह हमें फर्ज साबित करने के लिए बोला गया है। तो हम सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि कुछ देर के लिए हम फर्ज करेंगे 4 जज़र 2 एक नातिक अदद है, नातिक अदद है, ऐसे हम फर्ज करेंगे। फर्ज किया के है ना, इस तरह से। अब नातिक अदद है मतलब ए बटे बी या पी बटे क्यू बताइए आप, है ना? क्या बताएंगे हम? पी बटे क्यू बराबर 4 जज़र 2 है ना। नाती गदद को पी बटे क्यू फॉर्मेट में दिखाते हैं ना। तो इसमें जो ये नंबर है 4, वो इस तरह से नसब नुमा में आ जाएगा क्यू के ज़रब में, और जज़र तो यहाँ रहेगा। अब पी और क्यू यहाँ पर जो है ये नाती गदद है, सही अदद है, इसलिए पी बटे 4 क्यू भी जो है ये नाती का अदद होगा। पी और क्यू ये अगर सही अदद है, सही अदद है, तो पी बटे जो 4 क्यू है ये नाती का अदद होगा। तो जब पी बटे 4 क्यू ये नाती का अदद है, और जज़र 2 जो है ये गैर नाती का अदद है, और ये जो हिस्सा है, एक हिस्सा नाती का अदद और एक हिस्सा गैर नाती का अदद, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो हमने जो फ़र्ज़ किया है पी बटे क्यू बराबर 4 जज़र 2 है, ये हमारा फ़र्ज़ करना गलत हो गया है। इसके लिए तजाद के मुताबिक, यानी कॉन्ट्रडिक्शन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तजाद के मुताबिक जो है ये जो 4 जज़र 2 है ये गैर नातिक अदद साबित हो गया है ना। तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा तजाद का इस्तेमाल करना है। यानी हमें जो भी अदद अगर दिया जाए उसको अगर हमें गैर नातिक अदद साबित करना है, तो सबसे पहले उसको नातिक अदद साबित करके फर्ज करके कीजिए, और फिर बाद में यहाँ पर जो हमने जो नंबर्स है, जो अदद है, उसको हमने यहाँ पर नसब नुमा में ले लिया, और जो जजरी मकदार थी उसको एक साइड में रख दिया, और जो हिस्सा है आदद वाला ये नातिक है, और एक हिस्सा जजर में है यानी गैर नाती का अदद है। तो ये जो तजाद जो पैदा हुआ है वो हमारे फर्ज करने की वजह से ही पैदा हुआ है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो दिया गया सवाल है यानी 4 जज़र 2 ये जो अदद है ये गैर नाती का अदद है। चलिए इस तरह से सवाल नंबर 2 भी हल करते हैं। सवाल नंबर 2 भी बहुत ईजी है। क्या बोला गया है? 3 जज़र 5 साबित कीजिए कि ये भी गैर नाती अदद है। तो सबसे पहले तो आपको यही फ़र्ज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको यही फ़र्ज़ करना पड़ेगा जिस तरह से यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया, फ़र्ज़ किया कि जो 3 जज़र 5 है वो नाती अदद है, नातिक अदद है ना। यानी पी बटे क्यू बराबर हम ऐसा बताएंगे क्योंकि नाती अदद को पी बटे क्यू में ही शक्ल में ही बताते हैं, है ना। अब क्या करेंगे? पी बटे क्यू के माइनस में 3 को दे देंगे और जज़र 5 यहाँ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल वही सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि ये हिस्सा नातिक अदद है पी बटे क्यू माइनस 3, और ये हिस्सा जो है गैर नातिक अदद है, और ये जो तजाद पैदा हुआ है हमारे फ़र्ज़ करने की वजह से ही पैदा हुआ है ना। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 जमा जज़र 5 जो है ये गैर नातिक अदद है ना। तो कुछ इस तरह से करना है। ये कॉन्ट्रडिक्शन वाला मतलब तरीका है, तजाद वाला तरीका है, जिसके अंदर हमें जो साबित करना है उसका उल्टा फर्ज करके चलते हैं, और फिर बाद में उसके अंदर जो आद होता है, जो जजरी मिकदार वाला हिस्सा होता है, वो बराबर के एक तरफ जब हो जाता है तो इससे पता चलता है कि बराबर एक तरफ नातिक है और एक तरफ गैर नातिक है, और ये जो तजाद है ये फर्ज करने की वजह से ही पैदा होता है। इसीलिए जो जो दिया गया आदत होता है वो गैर नातिक आदत साबित हो जाता है तजाद के तरीके से। तो ये जो 2 ही सवाल है, इस तरह से आपको बोला जा सकता है कि जज़र 2 को भी
गैर नातिक अदद साबित कीजिए, तो इसको भी हम कर सकते हैं, आपकी सवाल में हलकर्दा मिसाल है, तो ये भी आप बता सकते हैं। तो ये सवाल नंबर एक है और दो है, उम्मीद है आपको अच्छे तरीके समझ में आया आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर तीन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, अब सवाल नंबर जो तीन है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि अददी खत पर हमें दिखाना है जजर पाँच को और जजर दस को। आपने इससे पहले हमारा ये वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें हमने जजर दो को अददी खत पर दिखाया है, बिल्कुल उसी तरह से दिखाना है। आपका काम सिर्फ इतना है कि एक स्केल की मदद से एक इस तरह से खत बनाना है आपको, और मान लीजिए अगर मुब्दा यहाँ आता है ओ, है ना, जिसका अदद है ज़ीरो यहाँ पर, तो यहाँ से पॉइंट नंबर एक और पॉइंट नंबर दो, दो के फासले पर प्रकार की मदद से अगर यहाँ एक सम का फासला इस तरह से लिया जाता है और इसको इस तरह से जोड़ दिया जाता है ना, तो ये हिस्सा दो सम का होगा और ये हिस्सा एक सम का होगा। तो यहाँ से अगर हम इस तरह से इसको मिलाते हैं तो एक कामतगुजार मुसलस बनता है ना, तो इसमें ये हिस्सा दो सम और ये हिस्सा एक सम। तो फीसावर्स के मसले से जब हम हल करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए पहले इसको हम ओ और ये ए और ये बी इस तरह से दे देते हैं, और यहाँ पे अगर फीसावर्स के मसले से हम मालूम करते हैं ओ बी, तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर जमा ओ ए स्क्वायर। तो ए बी जो है वो एक है तो एक का स्क्वायर, ओ ए जो है वो दो है तो दो का स्क्वायर, तो एक का मुरब्बा एक, दो का मुरब्बा चार, इस तरह से ये पाँच। तो ओ बी पे से जब स्क्वायर हटेगा तो पाँच पे जजर लग जाएगा, तो ओ बी की कीमत दी जाएगी पाँच जाएगी। फिर प्रकार की यहाँ रख कर आपको जो पेंसिल वाला हिस्सा है उससे ना इस तरह से ऐसा कॉस बनाना है आपको ऐसे, है ना। तो ये जो कॉस है जो अददी खत को जहाँ कता करेगा वहाँ पर, वहाँ तक का जो फासला आपका जजर पाँच होगा, तो कुछ इस तरह से बनाना है। तो वो वीडियो जो हमने आपको दिखाया है उसको जाके देखिए, और बिल्कुल उसी तरह से जजर पाँच जजर दस को बनाना है अददी खत पर। तो सिंपल सा है, आसान है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर चार की तरफ। सवाल नंबर चार क्या बोला गया है कि दर्ज ज़ेल दिए हुए आदाद के दरमियान के कोई भी तीन नातिक आदाद लिखिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर है वो है माइनस 0.5 और दूसरा है 0.3। यानी 0.3 और माइनस 0.5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का माइनस 0.5 और प्लस 0.3 ऐसा प्लस करेंगे और दो से तकसीम करेंगे यानी औसत निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.5 में 0.3 जाएगा तो माइनस 0.2 बचेगा, और जब इसको दो से तकसीम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 0.1 आएगा आंसर, है ना। अब जो भी आंसर आएगा हम उसको 0.3 में प्लस करेंगे, है ना, और दो से तकसीम करेंगे, फिर क्या आएगा, यहाँ पर भी माइनस का अमल होगा और 0.2 आ जाएगा, है ना, बटे दो। 0.2 अपॉन टू मतलब 0.1, है ना, प्लस में आ गया अभी। अब 0. है ना, अब जो आपका आंसर आया है वो 0.1 को हम 0.3 में प्लस करेंगे और फिर दो से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, और दो से जब इसको तकसीम करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो दरमियान की आदत हमको मालूम पड़ गया, माइनस 0.1 कॉमा 0.+1 और कॉमा 0.2। तो दरमियान के तीन अदद आपको मालूम हो गए, है ना। तो इसी तरह से पॉइंट नंबर जो दो है वो भी हमको हल करना है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। माइनस 2.3 और क्या दिया गया है, माइनस 2.33 ये दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला काम आपको क्या है, दोनों नंबर माइनस में दिए गए हैं, तो जीरो क्या करेंगे, माइनस 2.3 प्लस माइनस 2.33 दोनों को प्लस करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस 2.3 जमा नफी नफी माइनस 2.33, है ना, नफी नफी जमा का अमल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2.3 और 2.33 जब इसको हल करेंगे तो हमें हमें क्या मिलेगा, माइनस 4.63 मिलेगा, और जब इसको दो से तकसीम करेंगे तो इस तरह से हमको
-2.315 हमको मिलेगा, तो पहला ये नंबर मिल जाता है। अब जो भी नंबर आपको मिलता है यानी -2.315 जो आपको मिला है उसको प्लस करेंगे -2.3 के साथ ना, और 2 से डिवाइड करेंगे, इसका भी चेक करेंगे कितना आएगा, -2.315 -2.3 अपॉन 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4.615 हो जाएगा, और इसको 2 से जब डिवाइड करेंगे, साइड में लिख लेता हूँ मैं, और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -2.3075 आपको नंबर मिलेगा। और फिर ये जो नंबर है आया है आपको, ये वापस से आपको -2.3 में आपको प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जो भी आंसर आपको आता जाएगा, तो आपको जो पहला नंबर दिया जाएगा स्टार्ट का, उसके अंदर आपको ऐड करते रहना है और 2 से डिवाइड करना है। तो यही अमल है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो पहले 2 नंबर है वो यहाँ मिल गए -2.315, और दूसरा मिला है -2.3075 या 308 भी आप बोल सकते हैं इसको। अब ये जो आंसर है इसको -2.3 में आप प्लस कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, जो भी नंबर आएगा, तो आपके जो 3 नंबर है वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से बाकी के सवाल भी आपको करने हैं, उम्मीद आप उसको करेंगे, इसी तरह से करना है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है तीसरा क्वेश्चन, 5.2 और जो है 5.3 दिया गया है। क्या करना है, दरमियानी 3 अरकान मालूम करना है, 3 अदद मालूम करना है, तो क्या करेंगे, 5.2 प्लस 5.3 डिवाइड बाय 2, है ना, क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो 10.5 डिवाइड बाय 2, तो इसको जब 2 से तकसीम करेंगे तो ना 5.25 ये आंसर आता है ना। तो एक नंबर मिल गया। अब जो भी नंबर मिला है उसको पहले अदद में यानी 5.2 में प्लस करेंगे 5.25। चलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.45 अपॉन 2, है ना, फिर इसको जब 2 से तकसीम करेंगे तो 5.225, तो ये ऑलमोस्ट जो है ना 5.23 हो जाता है, 5.23, क्योंकि अशारे के बाद जो 5 अगर नंबर आता है तो उसके जो पीछे वाला जो नंबर है वो एक और आगे बढ़ जाता है ना, जैसे परसेंटेज वगैरह में दिखाते हैं। तो 2 नंबर मिल गए। अब वापस से 5.2 को 5.23 में ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, 10.43 है ना डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 5.215, यानी ऑलमोस्ट 5.22 हो जाएगा ये। तो कुछ इस तरह से 3 अरकान जो है आपको मिलेंगे, 5.25, 5.23 और 5.22, है ना, 21 इस तरह से मिलते रहेंगे। तो ये 3 सवालात है जो हमने आपको बताए हैं, और चौथा सवाल जो है वो आप बिल्कुल इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये मश्क जो है वो यहाँ पर अब एंड हो जाती है। बहुत छोटी सी मश्क है ये, और बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान है। इसको बार बार रिपीट करके आप देखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और ऐसे जो मज़ीद सवालात है मजमू सवालात में से लेकर उसको हल कीजिए। उम्मीद है आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। और ऐसे वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान अकेडमी। शुक्रिया।